देखो, अब प्रॉब्लम ये, टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास, इमेजिन करो, एक रिंग है और मैंने ये कहा कि एक रिंग का एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है, और मैंने आपसे ये पूछ लिया कि बताओ इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तब क्या करेंगे? इसके अंदर आपने कहा कि पहले मैं स्मॉल मास लूँगा, इस मास का डिस्टेंस यहाँ से आ रहा है, फिर मैं स्मॉल मास डीएम लूँगा, इसका डिस्टेंस यहाँ से आ रहा है, फिर डीएम का आ रहा है, तो पहले मैं स्मॉल पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, ये स्मॉल इसकी वैल्यू आएगी। टोटल निकालने के लिए दोनों साइड्स की क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा, और मेरे पास आई की वैल्यू आएगी। कोई डाउट इसमें? और मैंने पूछा आंसर क्या आया, आपने पूछा एम आर स्क्वायर आ गया, डन। मैंने कैसे, आपने कहा इंटीग्रेशन से आ गया, डन, बिल्कुल सही है। मैंने ये इंटीग्रेशन करवाई भी थी आपको, सही है। पर एक स्टूडेंट आया, वो कहता जी ऐसा है कि मेरे पास भी एक रिंग है, सेम रिंग है, मास सेम है, पर मैं इस रिंग को ऐसे घुमाना चाहता हूँ, ऐसे। अब आंसर क्या होगा? मैंने कहा देख, बात ऐसी है, तूने एक्सिस चेंज कर दिया, अब इस मास का सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे इस मास के कहाँ से ढूंढने पड़ेंगे, इस एक्सिस से ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे। और फिर से इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, डी एम आर वन स्क्वायर, वो एम टू आर टू स्क्वायर, एम थ्री, क्योंकि डिस्टेंसेस चेंज हो गए, आई की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और अगर किसी ने कहा कि मेरे पास भी रिंग है पर मैं अपना एक्सिस ये लेके चलता हूँ, अब क्या होगा? तो मैंने कहा तेरे को भी सारे डिस्टेंस नहीं लेने पड़ेंगे, नई इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, न्याय आएगा। इसका मतलब एक बात तो पक्की है, अगर मैंने एक्सिस चेंज करने शुरू कर दिए तो मेरी आई की वैल्यू भी चेंज होके आएगी। कोई डाउट इसमें? सही है यहाँ तक? अब कोई कहता है जी मैं तो रिंग में उलझ ही गया, ऐसे तो चार पांच एक्सिस ले आओगे, अब मैं चार पांच बार इंटीग्रेशन करता रहूंगा, एक बार ही बड़ी मुश्किल है, चार पांच बार कौन करेगा? तो हमारे पास कुछ ऐसे शॉर्टकट तरीके हैं कि तुम्हें इंटीग्रेशंस ना करनी पड़े और तुम्हारा आंसर 1 मिनट में आ जाए। उसके लिए दो थ्योरम्स इंट्रोड्यूस की गई, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये इंटीग्रेशंस का काम बचाएंगी और आपका क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, कोई भी एक्सिस ले आना। और वो कैसे होगा, इसके लिए नोट करें, लिखें कॉपी में, कॉपी में लिखें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आज मैं सिर्फ ये थ्योरम कैसे काम करती है ये बता रहा हूं, अगले लेक्चर में एनसीईआरटी में प्रूफ है इसका, वो प्रूफ मुझे करवाने हैं, 10 मिनट के प्रूफ हैं, लेकिन एप्लीकेशन ज़्यादा आती है। प्रूफ तो स्कूल में आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एप्लीकेशन आती है। तो कैसे लगती है थ्योरम, क्या है थ्योरम, इसको समझते हैं। थ्योरम ये है कि आपके पास, इमेजिन करो कोई भी बॉडी है, एनी बॉडी, किसी भी शेप की हो कोई फर्क नहीं, ये इसका एक्सिस है और इस एक्सिस में इमेजिन करो कि ये एक्सिस कहां से पास कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है। जरूरी है, इसमें एक एक्सिस का सेंटर ऑफ मास में से पास करना जरूरी है। और रिंग, मान लो इमेजिन करो रिंग है, रिंग का तो वैसे ही सेंटर ऑफ मास से पास करता है, और रिंग का आपको आई तो पता ही है, तो एक एक्सिस का तो आपको पता ही होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि आपको दे दिया गया एक और एक्सिस एग्जैक्टली इसके पैरेलल है, पैरेलल है, और कितना पैरेलल है, एच पैरेलल है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस नए एक्सिस का क्या होगा, इस एक्सिस पे क्या होगा? तो नए एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है आई सेंटर ऑफ मास, इन एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एच, और मास इस बॉडी का एम है, प्लस एम इंटू एच का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। नोट कर लो, नोट करो कॉपी में, नोट करो कॉपी में। ये थ्योरम लगती कैसे भी बताऊंगा। सिर्फ पैरेलल एक्सिस पे ही काम करेगी, बस दो एक्सिस में, दो एक्सिस पैरेलल होंगे तभी काम करेगी, नहीं तो काम नहीं करेगी।
फॉर्मूला लिख लिया सबने, इसको लगाना कैसे है इसको देखना ही इंपॉर्टेंट है। इसको लगाने के लिए जैसे सपोज ये फॉर्मूला सिर्फ ना किसी बॉडी के लिए, ये देखो इमेजिन करो आपके पास एक रिंग है, पहला एग्जांपल है, एग्जांपल लगती कैसे है, इस रिंग का कोई एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है उसका, एम आर स्क्वायर, ये पता है ना मेरे को, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट आई निकालना है तो क्या होगा बोलो, ये तो होगा ही होगा, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है आर, तो एम इंटू एच का स्क्वायर ऐड हो जाएगा और मेरा आंसर क्या आएगा, टू एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर तो इसका है ही है प्लस एम आर स्क्वायर और ऐड हो गया, सही। जैसे इसमें ज्यादा समझ में आएगा डिस्क में, मेरे पास मान लो डिस्क है और एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है और मेरे को आंसर इसमें निकालना है, इनमें दूरी आर है। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर, इसके अबाउट क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है, बस m इंटू एच स्क्वायर ऐड कर देना है, तो जो सेंट्रल एक्सिस का है वो तो है ही है प्लस m इंटू एच स्क्वायर ऐड हो जाएगा, समझ में आ रहे हैं एग्जांपल। जैसे मेरे पास सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर का जो एक्सिस है ये रहा और मुझे इस पे निकालना है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, 2/5 एम आर स्क्वायर है, तो इसमें क्या होगा, I will be equal to 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू आर स्क्वायर 7/5 एम आर स्क्वायर, क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ऐसे लगती है ये थ्योरम, पर ऐसा क्यों लगती है इसका प्रूफ नेक्स्ट टाइम करना है हमने। तो कौन सी थ्योरम सीखी आज हमने, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, और एक और सीखनी है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस कैसे लगती है, फिर प्रूफ नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके अंदर लेट अस सपोज आपने एक बॉडी ली और ये इसके एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, y एक्सिस, ये ड्रॉ करें साथ साथ, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट, ये थ्योरम हर जगह नहीं लगती, पैरेलल हर जगह लग सकती है, किसी बॉडी पे लग सकती है, ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ लैमिना पे लगेगी, लैमिना, लैमिना इज अ 2D बॉडी, 2D बॉडी को क्या बोलते हैं, लैमिना, जैसे डिस्क इज अ लैमिना, शीट इज अ लैमिना, XY प्लेन में होती है, लेकिन सॉलिड स्फीयर इज नॉट अ लैमिना, Z एक्सिस में भी होता है, तो हर तरफ मास होता है, 3D में होता है, लैमिना नहीं है, लैमिना सिर्फ शीट्स को लैमिना बोलते हैं, डिस्क कैन बी लैमिना, तो रॉड पे भी लगती है,
तो बस ये शीट पे लगती है या डिस्क पे लगती है, क्लियर है यहाँ तक? रिंग पे लगती है, रिंग भी 2D है। तो आप इमेजिन करो एक मिनट के लिए, अगर एक स्टूडेंट को ये कहा जाए कि तू बस एक्स एक्सिस को मान ले, ये एक्सिस है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, तो अब तक क्या करेगा? इसका एम वन लेगा, सारे डिस्टेंसेज इस एक्सिस से लेगा, एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, एम फोर आर फोर स्क्वायर, और कुछ तो आंसर निकालेगा। मान लो वो आंसर क्या निकालता है, आए एक्स एक्स डैश, कुछ तो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। लेकिन अगर इसी फिगर में एक नया स्टूडेंट को लेके आऊँ और उसको कहूँ कि चल तेरा एक्सिस ये है, अब वो सारे पार्टिकल की दूरी कहाँ से लेगा, जेड एक्सिस से, और कुछ तो आंसर निकालेगा, उसका आंसर इससे डिफरेंट आएगा, कितना आएगा, इतना आएगा, अलग आ जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट का एक्सिस नया कर दिया, वाई एक्सिस कर दिया, अब सारे डिस्टेंसेस वो कहाँ से लेगा, वाई से, और उसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, राइट? क्लियर है? तीन आंसर, तीन एक्सिस, तीन आंसर डिफरेंट आएंगे। शॉर्टकट ये है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक्स और वाई एक्सिस एक प्लेन में है, जेड एक्सिस आउट ऑफ प्लेन है, तो जो एक्सिस आउट ऑफ प्लेन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इन प्लेन है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। ये शॉर्टकट है और इसी को बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब कि आपके पास अगर कोई शीट है, आप इसको ऐसे याद नहीं कर सकते कि z एक्सिस का मोमेंट इनर्शिया x और y के इक्वल होता है, ये तो बिल्कुल भी याद मत कर लेना। ऐसे याद करो, अगर आपके पास दो एक्सिस हैं, दोनों इस शीट के अंदर है, अब इसका नाम चाहे x है चाहे y है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और तीसरा एक्सिस यहाँ पे है, तो जो तीसरे एक्सिस आउट ऑफ प्लेन है और जो इन प्लेन है, तो जो प्लेन के अंदर एक्सिस है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर 2 और 5 है, इसका गारंटेड 7 होगा, क्योंकि 2 + 5 = 7। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, ये नहीं हो सकता। जो आउट ऑफ प्लेन है वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेन में पड़े हुए एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। अब उसका नाम एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, मेरे को मतलब नहीं है, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब भी ये थ्योरम लगानी होती है, बस वो एक्सिस ढूंढो जो आउट ऑफ प्लेन है और वो ढूंढो जो इन प्लेन है। आउट प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन प्लेन एक्सिस के इक्वल के सम कर देना, कोई डाउट इसमें? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इमेजिन करो रिंग है, ये रिंग, इस रिंग का एक एक्सिस ये रहा और इसके अबाउट तो आपको पता ही है आंसर क्या होता है, एम आर स्क्वायर, ये तो मालूम ही है आपको, और ये आउट ऑफ प्लेन है। मेरे को क्वेश्चन में निकालना है रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब डायमीटर तो रिंग के अंदर लाई करेगा, तो मैं जानबूझ के डायमीटर दो लूंगा, एक लूंगा ऐसा, एक लूंगा ऐसा, जानबूझ के, ताकि आपस में कैसे हो, 90 डिग्री पे हो। मैं दो डायमीटर ऐसे चूज करूंगा इन प्लेन, ताकि दोनों आपस में 90 डिग्री पे हों और ये एक्सिस बीच में से पास करे, और तीनों के तीनों कैसे हो गए, 90 डिग्री पे। तो मेरी मर्जी, आपको डायमीटर के लॉन्ग चाहिए ना, बात खत्म। तो मैंने फिगर ही ऐसी बना ली जानबूझ के। अब क्योंकि सारे डायमीटर एक जैसे तो होते हैं, तो इसके अबाउट जो भी आंसर आएगा, इसके अबाउट भी वही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, सेम होएगा, क्योंकि हर डायमीटर तो डायमीटर है, तो सिमेट्रिकल फिगर है, तो आईडी और आईडी होगा जो भी होगा। और इसके अबाउट एम आर स्क्वायर है, तो मैंने क्या रूल सिखाया था, आउट ऑफ प्लेन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इन प्लेन के इक्वल होता है, तो आंसर क्या आएगा, आईडी का 1/2 एम आर स्क्वायर। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? तो अगर रिंग का सेंटर के अबाउट मोमेंट इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, तो डायमीटर के अबाउट क्या हो जाएगा, 1/2 एम आर स्क्वायर। देखो बिना इंटीग्रेशन के सिर्फ इस शॉर्टकट से आंसर आ गया, तो करते रहते इंटीग्रेशन। जैसे डिस्क है, डिस्क, डिस्क की भी सेम स्टोरी है, डिस्क का एक्सिस जो सेंटर है वो कैसे है, सेंटर के अबाउट फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर है, और ये आईडी और आईडी ले लेना, दोनों डायमीटर हैं, आपस 90 डिग्री पे हैं, तो जो आउट ऑफ प्लेन एक्सिस है वो आईडी प्लस आईडी हो जाएगा, तो आईडी की वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1/4 एम आर स्क्वायर। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? वैसे एक शॉर्टकट भी है, जो रिंग और डिस्क का आई सेंटर के अबाउट होता है डायमीटर में हाफ हो जाता है, देख लो एम आर स्क्वायर का हाफ एम आर स्क्वायर, याद करने का तरीका, हाफ एम आर स्क्वायर का 1/4 एम आर स्क्वायर, याद करने का तरीका। पर थ्योरम कैसे लगती है वो आइडिया समझ में आ रहा है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम इसके प्रूफ के साथ कि ऐसा क्यों किया गया।
और फिर अगला लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके न्यूमेरिकल अच्छे हैं।